संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र मोतीनगर में देर रात अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक परिवार पर बुरी तरीके से हमला कर दिया। बदमाशों का मारने का तरीका बेहद ही खौफनाक था। सबके चेहरे और गर्दन पर वार किया गया था और जख्मी पीड़ितों की आवाज तक नहीं निकलने दी। थाना हयातनगर के मोतीनगर में हरप्रसाद सैनी का परिवार रहता है, जहां आज बेटे की ससुराल से उसकी सास भी घर आई हुई थी। बदमाशों ने उनको भी नहीं बख्शा, उनके कानों के कुंडल नोच लिए। क्या मामला है पूरा? जी, ग्राम मोतीनगर में, थाना हयातनगर में, ये जो बदमाश जब आए थे तो उन्होंने घर में जैसे दबिश दी, तो जैसे लाठियों की आवाज़ जब सुनाई थी तो हम लोगों को लगा खटपट क्या हो रहा है, तब जाकर हमने दिल मचाया, तब जाकर वो चोर भागे। और वहाँ पर जाकर हमने जाके देखा तो वहाँ पर जान माल को हानि थी। कितने लोग थे मारने वाले? जी, लगभग हमने देखा तो नहीं, लेकिन लगभग वो 8 से 10 रहे होंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमल कुमार सैनी है। मैं ये जो जो घटना घटी है, ये हमारे परिवार में अपने हमारे घर में घटी है। इस घटना का चश्मदीद कमरे में अंदर सो रहा था। मारने पीटने की आवाज, शोर शराबा सुनकर मुनीश अंदर खिड़की से सब नजारा देख रहा था। बदमाशों ने उसको भी ललकारा तो तब मुनीश ने शोर मचा दिया। कितने लोग थे मारने वाले? उनके हाथ में क्या, किस चीज से मारा आपको? क्या बोल रहे थे? कुछ डाटा बना हुआ था, कैसा था देखने, आपको दिखाई दिया? क्या बोले आपसे मारते समय? उधर पुलिस इंस्पेक्टर नाथीराम पवार का कहना है कि लूट और साजिशन दोनों एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि हमलावर कानों से कुंडल खींचकर ले गए हैं।